सुबह नहा धो के विदाउट मेकअप मेकअप शूट के लिए, पीछे पूरा ड्रेसेस है, मेरी ज्वेलरी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कौन मेरा मेकअप कर रहा है मैं जल्दी आपको बताऊंगी। कौन सा लुक कर रहे हैं हम अभी डिसाइड नहीं है, वहीं जाके देखते हैं। गाइज यहाँ हो गया है मेरा मेकअप स्टार्ट। अभी मेरी आईब्रो डिफाइन कर रही हैं सिमरन, और आज हमने सोचा है कि हम दो लुक क्रिएट करेंगे। एक थोड़ा पार्टी मेकअप, जैसे थोड़ा होता है ना भाई बहन की शादी में थोड़ा हैवी हम लोग लुक रखते हैं, वो करेंगे हम लोग। उसके बाद हम उसी को थोड़ा सा चेंज करके करवा चौथ मेकअप लुक भी क्रिएट करेंगे। ये मॉइस्चराइज़र विद प्राइमर उन्होंने लगा दिया अच्छे से, ड्राई स्किन है मेरी, इसलिए मेकअप का ना बेस अच्छा होना चाहिए। आपकी स्किन प्रेप होनी चाहिए अच्छे से, क्रीम आपका अच्छे से होना चाहिए ताकि आपका जो ऊपर बेस लगे, जो फाउंडेशन या कंसीलर लगे, वो क्रैक ना हो या ग्रे ना हो। तो उसके लिए हमें मॉइस्चराइज़र सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ उन्होंने स्टार्ट कर दिया कलर करेक्टिंग, ऑरेंज कंसीलर से उन्होंने स्टार्ट किया है। ये आपके डार्क स्पॉट्स को कवर करेगा, माउथ के एरिया और अंडर आई एरिया पे लगाया है। अब उसके ऊपर उन्होंने मेरे स्किन टोन का कंसीलर लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि वो कलर जो ऑरेंज कलर करेक्टर है वो ब्लेंड हो जाए स्किन में, कवर हो जाए। अब उन्होंने कर दिया है मेरा अंडर आई मेकअप कंप्लीट। नाउ बस अब उन्होंने फाउंडेशन लगा के ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, क्योंकि फिर वो लाइंस और वो सब दिखता है, फाउंडेशन अलग से दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मेकअप के लिए मैं कहूँगी कि आप अपनी स्किन का ना रेगुलर ध्यान रखा करो। अगर स्किन अच्छी होती है तो ही मेकअप अच्छा लगता है। मेकअप कोई मैजिक नहीं है कि आपके एक्ने या दाने या आपके डार्क सर्कल्स छुपा देगा, नहीं। वो अगर आपकी स्किन अच्छी है ऑलरेडी तो उसको और अच्छा बना देता है। तो इसलिए अपनी स्किन का आप बहुत ध्यान रखा करें, डेली आप CTM करा करें। उस पर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कि अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखना है आप लोगों को। ये अब मेरा उन्होंने हेयर स्टाइल स्टार्ट कर दिया है, क्रिम्पिंग कर रहे हैं वो, आप देख सकते हैं क्रिम्पिंग करनी कैसे है, आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं। छोटा छोटा पार्टीशन लेके उन्होंने किया। अभी आई लैशेज मेरे लगा दी थी और वो आइज़ बंद रखने की वजह से वो चिपक गई थी। तो ये है मेरा मेकअप लुक। मुझे वैसे ओपन हेयर ज़्यादा पसंद है, मेरे ऊपर सूट भी वही करता है। तो मैं तो सिमरन को डिमांड भी करी थी कि प्लीज़ बाल मत बांधना, ओपन ही रहने दो, मेरे फेस पर वही जाता है। बट सिमरन ने ये बन बनाया, ये भी अच्छा लग रहा था लुक के हिसाब से, क्योंकि शादी वगैरह में जो भाभी या बहन बड़ी बहनें होती हैं तो अच्छा लगता है बन भी। तो ये उन्होंने क्रिएट किया। यहाँ हम अपनी इंस्टाग्राम की रील्स शूट कर रहे थे तो बस उसी में लगे हुए थे, काफ़ी मज़ा आया। सो ये मैंने क्रिएट करा है करवा चौथ मेकअप लुक, मतलब मैंने नहीं किया है, सिमरन ने किया है। मैं आपको मिलवाऊंगी उससे आगे, और कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है करवा चौथ के लिए, सिंपल साड़ी सा मेकअप लुक है ये, आप ही क्रिएट कर सकते हैं। ये सिमरन ने मेरा मेकअप किया है, बहुत ही टैलेंटेड है, सब कुछ कर लेती है। जो बुटीक में मैंने सूट दिखाया था वो भी सिमरन का ही है, मेकओवर भी सिमरन का ही है। ये सारी पंजाबी ज्वेलरी, ये सब कुछ इनके पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी पार्टी मेकअप, ब्राइडल एंगेजमेंट या कुछ भी करना है तो कॉन्टैक्ट करना। मैं इनकी ईमेल आईडी भी नीचे दे दूँगी, इंस्टा आईडी भी दे दूँगी और इनका फ़ोन नंबर भी डाल दूँगी। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना सुंदर सुंदर मेकओवर के लिए। थैंक यू, बाय बाय।